आज अपने संगाड़े और कुट्टू के आटे का हलवा बनाएंगे। चलो देखते हैं कैसे बनता है संगाड़े और कुट्टू के आटे का हलवा। मैंने आधी कटोरी संगाड़े का आटा और आधी कटोरी मैंने ये कुट्टू का आटा लिया है। दोनों आटों को मिक्स करके अपनी हलवा बनाएंगे। आधी कटोरी से ज्यादा चीनी ली है। गैस को ऑन करके कढ़ाई रखेंगे। इसमें मैं ये देसी घी डालती हूँ। अपना जैसे आधा कटोरी आटा है तो आपने आधा कटोरी से ज्यादा घी लेना है। घी अपना गर्म हो गया। अब मैं इसमें ये थोड़े से बादाम लिए। आप इन बादामों को इस तरह काट लेना। अपने बादाम को फ्राई करेंगे। काजू और बादाम को जब फ्राई करो इस तरह आप चलाते रहना। अपने काजू और बादाम फ्राई हो गए। इनका देखो कलर चेंज हो गया हल्का ब्राउन। अब अपने इसी घी में आटा सेकेंगे। सबसे पहले ये मैं कुट्टू का आटा डालूंगी। इसी के अंदर ही ये संगाड़े का आटा मिक्स कर देंगे। इन दोनों आटों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। देखो घी भी अपना एकदम बराबर है। इसमें मैं कोई एक्स्ट्रा घी नहीं डाला। अगर हलवा बनाना है इसमें आपका घी का अंदाज और पानी का अंदाज सही है तो आपका हलवा एकदम परफेक्ट बनेगा। अब इसको बिल्कुल लो मीडियम आंच पे धीरे धीरे इसी तरह आटे को सेक लेंगे। इसको बीच में आपने छोड़ना नहीं, इसी तरह आपने चलाते रहना। ये आटा अपना अच्छी तरह सिक गया। इसको सिकने में 5-7 मिनट लगते हैं। आप लो मीडियम आंच पे इसको इस तरह सेक लेना। देखो अपना ये आटा कितना घी छोड़ गया। अगर आपने हलवा बनाना है उसमें पानी की मात्रा भी सही हो तो अपना ये हलवा अच्छा बनता है। पानी की मात्रा कितनी डालनी है ये मैं आपको बताऊंगी। पानी की मात्रा सबसे पहले अपने इसमें पानी डालेंगे। ये पानी को मैंने हल्का गर्म कर लिया। आप भी इसी तरह हल्का गर्म कर लेना। जैसे ये अपनी ये कटोरी ली है मैंने ये 2.5 कटोरी पानी की ली है, 2 फुल और 1 आधी। आप इसी नाप से ही जब भी हलवा बनाओ ये नाप लेना, कप हो कटोरी हो जो भी। अब देखो इसमें अच्छी सी खुशबू आने लग गई है। अब इसमें मैं धीरे आंच को हल्का तेज कर देंगे। थोड़ा सा तेज करके धीरे धीरे इसी तरह पानी डालते जाएंगे चलाते जाएंगे पानी डालते जाएंगे चलाते जाएंगे। देखो ये मैं पानी 2.5 कटोरी लिया था, पूरा पानी मैं इसमें डालूंगी, पूरा पानी डालूंगी। अब इसको इस तरह हलाती हूँ जिसके ये अपने ये लम्स है इसके अंदर ये लम्स ना बने। देखो बिल्कुल लम्स नहीं और ये अपना हलवा है बिल्कुल कढ़ाई के साथ नहीं चिपका। देखो कैसे घूम रहा है। अगर आपका पानी सही है तो आपका हलवा बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। मैंने आधी कटोरी से ज्यादा चीनी ली है। मीठा आप कम ज्यादा अपने स्वाद के अनुसार कर सकते हो। मीठा अगर आपको ज्यादा पसंद है तो आप इसमें 1-2 चम्मच एक्स्ट्रा और ऐड कर सकते हो। अगर कम पसंद है तो आप इसमें आधी कटोरी चीनी डाल दें। अब इसको इसी तरह ही चलाते रहेंगे वो अपनी चीनी भी अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो इसका चीनी डालने से इसका कलर भी चेंज हो गया। संगाड़े और कुट्टू के आटे का हलवा बनके तैयार है। आप इसको फास्ट में और नाश्ते में बना सकते हो। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगली रेसिपी के लिए फिर मिलेंगे। धन्यवाद।